CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है नवीं कक्षा के लिए उर्दू की सहायक पाठ्य पुस्तक गुलजारे उर्दू भाग एक। पेश है नवीं जमात के लिए उर्दू की मुआविन दर्सी किताब गुलजारे उर्दू। अब प्रस्तुत है गुलजारे उर्दू भाग एक का छठा पाठ। फैज अहमद फैज। सफा 15। तारुफे शायर फैज अहमद फैज। पैदाइश 1911, इंतकाल 1984। फैज अहमद नाम, फैज तखल्लुस था। सियालकोट के एक गांव में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम चर्च मिशन स्कूल सियालकोट से हासिल की। अंग्रेजी में एमए करने के बाद कॉलेज में लेक्चरर हो गए। फैज का इंतकाल लाहौर में हुआ। फैज ने गजल की क्लासिकी रिवायत से इस्तेफादा किया और इसे इनकलाबी फिक्र से हम आहंग करके एक बिल्कुल नया रंग पैदा किया। तरक्की पसंद शायरों में फैज गजल और नज्म दोनों के मकबूल शायर हैं। अपनी इनकलाबी सरगर्मियों की वजह से उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। उन्होंने जिला वतनी की जिंदगी भी गुजारी। हक व इंसाफ के लिए वो बराबर आवाज उठाते रहे। उनकी शायरी में दर्दमंदी, दिल आवेजी और तासीर है। उनके कलाम के तर्जुमे मुख्तलिफ जबानों में हो चुके हैं। उनके शेरी मजमुए नक्शे फरियादी, दस्ते सबा, जिंदा नामा, दस्ते तहे संग, सरे वादी सीना, शामे शहरे यारा, मेरे दिल मेरे मुसाफिर हैं। उनका कुल्लियात नुस्खा हाय वफा के नाम से शाय हुआ है। नस्र में मीज़ान, रह व रस्म आशनाई और सलीबे मेरे दरीचे में उनकी मारूफ किताबें हैं। सफा 16। गजल गो शायर फैज अहमद फैज की गजल। अब पेश है फैज अहमद फैज की गजल। गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले, गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले, चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले, चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले। कफस उदास है यारो सबा से कुछ तो कहो, कफस उदास है यारो सबा से कुछ तो कहो, कहीं तो बहरे खुदा आज जिक्रे यार चले, कहीं तो बहरे खुदा आज जिक्रे यार चले। बड़ा है दर्द का रिश्ता ये दिल गरीब सही, बड़ा है दर्द का रिश्ता ये दिल गरीब सही, तुम्हारे नाम पे आएंगे गम गुसार चले, तुम्हारे नाम पे आएंगे गम गुसार चले। जो हम पे गुजरी सो गुजरी मगर शबे हिजरा, जो हम पे गुजरी सो गुजरी मगर शबे हिजरा, हमारे अश्क तेरी आकबत संवार चले, हमारे अश्क तेरी आकबत संवार चले। मकाम फैज कोई राह में जचा ही नहीं, मकाम फैज कोई राह में जचा ही नहीं, जो कुए यार से निकले तो सुए दार चले, जो कुए यार से निकले तो सुए दार चले।
فیض احمد فیض. مشق: سوالوں کے جواب لکھیے. سوال نمبر ایک: گلشن کا کاروبار چلنے سے کیا مراد ہے؟ سوال نمبر دو: قفس کی اداسی کی وجہ کیا ہے؟ سوال نمبر تین: درج ذیل شعر کا مفہوم لکھیے. جو ہم پہ گزری سو گزری، مگر شب ہجراں ہمارے اشک تیری عاقبت سنوار چلے. سوال نمبر چار: جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے، اس مصرے میں شاعر کیا کہنا چاہتا ہے؟ اسی کے ساتھ یہ سبق ختم ہوا. گلزار اردو بھاگ ایک کا چھٹا پارٹ یہاں سماپت ہوا. اس کے بعد پارٹ سات آتا ہے. پرستتی CIET NCERT.